हाय गाइस, कैसे हो आप सब। दोबारा स्वागत करूंगा आपके अपने चैनल HQ बॉलीवुड न्यूज़ में, और मैं हूं हारिस कुरैशी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सारे जितने भी रूमर्स आ रहे हैं सबको क्लियर करता जाऊंगा। और जैसे कि हर चैनल का कोई भी रूमर आ जाता है, कोई भी चैनल हो, मोस्टली कोई भी चैनल हो, वो यही कहता है अब शाहरुख खान की वाली फिल्म आने वाली है, अब शाहरुख खान की वाली फिल्म आने वाली है। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा जितने भी रूमर्स आए हैं अब तक, उन रूमर्स को बिल्कुल क्लियर करने का कि असली में मांजरा क्या है, आखिर असली कहानी है क्या उस रूमर की। ठीक है दोस्तों, एक एक बात तो ये। दूसरी बात, मैं इस तरह की वीडियो पहले भी बना चुका हूं, लेकिन पहले शाहरुख खान सर की स्टेटमेंट कुछ और थी। फिलहाल शाहरुख खान की एक नई स्टेटमेंट आई है, तो उस स्टेटमेंट के मुताबिक ही इस वीडियो पर मैं शाहरुख खान की आने वाली फिल्म कौन सी हो सकती है वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं शाहरुख खान की न्यू स्टेटमेंट क्या है। तो शाहरुख खान की न्यू स्टेटमेंट यही है कि मेरी जो आने वाली फिल्म होगी वो एक्शन फिल्म होगी। तो शाहरुख खान ने ऐसा कहा है, हिंट दिया है एक। वैसे शाहरुख खान ने कहा है मे बी, लेकिन फिर भी शाहरुख खान ने ये हिंट दिया है, तो बिल्कुल 80-90% ये कन्फर्म है कि शाहरुख खान की जो आने वाली फिल्म होगी वो एक्शन फिल्म ही होगी। क्योंकि इतना बड़ा सुपरस्टार ऐसे कोई हिंट नहीं देता अगर एक्शन फिल्म नहीं होती तो। इतना पता चल गया है हमें कि आने वाली फिल्म एक्शन होगी। तो आइए, जितने भी रूमर्स आए हैं इन महीनों में या पिछले महीनों में, जो इन महीनों में रूमर्स आए हैं सबके असलियत जानते हैं। सबसे पहले लैंड ऑफ लुंगी, लैंड ऑफ लुंगी नाम का एक रूमर आया था कि लैंड ऑफ लुंगी शाहरुख खान फिल्म कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें रूमर्स में कुछ भी सच्चाई नहीं है, और लैंड ऑफ लुंगी नाम जो फिल्म है वो फिल्म है बच्चन पांडे, असली फिल्म बच्चन पांडे है जिसे अक्षय कुमार कर रहे हैं। ठीक है, तो लैंड ऑफ लुंगी की कोई कहानी नहीं है। फिर विक्रम वेदा, साउथ की जो फिल्म है विक्रम वेदा, उसका रीमेक शाहरुख खान कर रहे हैं। शाहरुख खान को अप्रोच हुई थी विक्रम वेदा, लेकिन अब वो फिल्म आमिर खान पे चली गई है, और सैफ अली खान और आमिर खान वो फिल्म कर रहे हैं, तो विक्रम वेदा भी शाहरुख खान सर नहीं कर रहे हैं। अब राजकुमार हिरानी के साथ, दोस्तों राजकुमार हिरानी के साथ फिल्म हो सकती है, ये रूमर आया था, लेकिन एक्शन फिल्म होगी आने वाली, एक्शन फिल्म होगी, और राजकुमार हिरानी एक्शन फिल्म बनाते नहीं, तो राजकुमार हिरानी के साथ भी फिल्म नहीं होगी, और ये भी एक रूमर बन के रह गया। आदित्य चोपड़ा के साथ रोमांटिक फिल्म, तो ये तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि आदित्य चोपड़ा के साथ रोमांस फिल्म, लेकिन आने वाली फिल्म एक्शन है, और शाहरुख खान सर मुझे लगता है ऐसा कि रोमांस में तो अब बिल्कुल भी हाथ नहीं डालेंगे, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। आदित्य चोपड़ा वाली फिल्म भी अब नहीं होने वाली, और ये भी एक रूमर ही बन के रह गया। अब बात करते हैं दोस्तों इंस्पेक्टर गालिब की। इंस्पेक्टर गालिब शाहरुख खान सर को अप्रोच हुई है, शाहरुख खान सर ने अभी हामी नहीं भरी। इंस्पेक्टर गालिब एक एक्शन एक्शन हो सकता है, उसमें जाहिर सी बात है शाहरुख खान सर इंस्पेक्टर का रोल करेंगे अगर वो फिल्म करते हैं तो। इस फिल्म के चांसेस हैं क्योंकि आने वाली फिल्म एक्शन होगी, इसमें भी एक्शन होगा, और ये एक बेस्ट फिल्म होगी अगर शाहरुख खान सर करते हैं तो। इंस्पेक्टर गालिब हो सकती है। बात करते हैं दोस्तों अब धूम 4 की। देखो, धूम 4 की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा गहराई से समझना। धूम 4 एक्शन फिल्म है, और शाहरुख खान सर की आने वाली फिल्म धूम 4 हो सकती है, लेकिन इस 27 सितंबर को अगर अनाउंसमेंट नहीं हुई धूम 4 की, इस 27 सितंबर को अगर अनाउंसमेंट नहीं होती है, क्योंकि 27 सितंबर को यश चोपड़ा का बर्थडे है, और यशराज अपनी हर स्पेशल फिल्म को अनाउंस करता आ रहा है 2-3 साल से, अगर धूम 4 बन रही है तो इस 27 सितंबर को अनाउंसमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर इस 27 सितंबर को अनाउंसमेंट नहीं हुई धूम 4 की, तो समझ लेना कि शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म धूम 4 नहीं है, कोई दूसरी ही है। सही है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों डॉन 3 की तरफ। डॉन 3 में हमेशा से कहता आ रहा हूं शाहरुख खान की जो अपकमिंग फिल्म होगी वो डॉन 3 नहीं होगी। इसका रीजन यही है क्योंकि फरहान अख्तर और रितेश सिद्वानी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है डॉन 3 में। अब मनी हाइस्ट, हाल ही में रूमर्स आया था कि इस फ्रेंच के एक वेब सीरीज का रीमेक कर सकते हैं मनी हाइस्ट का, मैंने भी आपको खबर दी थी और मुझे भी लग रहा था ये प्रोजेक्ट होने वाला है, लेकिन ये खबर गलत निकली। शाहरुख खान सर ने खुद ही कंफर्म कर दिया इंटरव्यू में कि मैं कोई ऐसा कुछ नहीं कर रहा। तो दोस्तों, जितने भी रूमर्स हमने देखने को मिले हैं कोई भी सच नहीं है सिवाय दो के, एक धूम 4 और एक इंस्पेक्टर गालिब। यही दो ऐसे हैं, मैं यही नहीं कह रहा ये बिल्कुल सच होंगे, लेकिन यही दो ऐसे हैं जो हो सकता है, बाकी कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन ये दो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो शाहरुख खान सर कर सकते हैं। और अगर 27 सितंबर को नहीं होती अनाउंसमेंट धूम 4 की, तो सिर्फ एक ही ऐसा प्रोजेक्ट बनेगा बचेगा जो शाहरुख खान सर कर सकते हैं, और वो रहेगा इंस्पेक्टर गालिब। और दोस्तों, जो अपकमिंग फिल्म होगी शाहरुख खान सर की, एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, हो सकता है वो इन सब ना तो धूम 4 हो, ना इंस्पेक्टर गालिब हो, और ना ही कोई ऐसी फिल्म हो कि इन सब रूमर्स में कभी आई हो। मतलब एक
अलग ही फिल्म भी हो सकती है जिसके बारे में हमें अभी तक सुनने को नहीं मिला, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है गाइस, ये रही मेरी रिपोर्ट, बिल्कुल रियल आपको न्यूज बता दी मैंने। आपको इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दें, और बने रहें एचक्यू बॉलीवुड न्यूज के साथ इसी तरह के अपडेट्स के लिए। मैं हारिस कुरेशी मिलूंगा अगली वीडियो में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।